हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। परमपिता परमेश्वर आप लोगों को सही दिशा मार्ग दें ताकि आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच सकें, सफल हो सकें, स्वस्थ रहें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का वीडियो का टॉपिक है संघर्ष का महत्व। जीवन एक कर्म यात्रा है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं हुआ है। मानव जितना संघर्ष से रूबरू होता है उतना ही निखरता है। प्रायः हम पाएंगे कि अच्छे लोगों की जीवन यात्रा संघर्ष से भरी होती है, मगर उनके मुखमंडल पर आत्मविश्वास की आभा साफ दिखाई देती है, जबकि एक अवसरवादी का मुख कांतिहीन प्रतीत होता है, क्योंकि उसने जीवन को सुविधापूर्वक बनाना सीखा है। जो जीवन उसे यथार्थ में अपने आत्मबल को परिपक्व करने के लिए मिला था, वह उसने व्यर्थ गंवा दिया। आत्मविश्वास संघर्ष की सुगंध है जो आत्मा में आत्मसात होती चली जाती है और व्यक्तित्व को खुशबू से भर देती है। आप किसी भी संघर्षशील व्यक्ति को देख अपना मुख पीछे नहीं कर सकते, उसे व्यक्तित्व को नकार नहीं सकते। इसलिए संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष समय के हाथ का एक ऐसा हथौड़ा है जिसकी चोट हमारे पथरीले व्यक्तित्व में से सुंदर मूर्ति का निर्माण करती है। संघर्ष हमें पूजनीय बनाता है और आदर्श की परंपरा में हमें स्थायित्व देता है, ताकि व्यवस्थित और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। यदि हम आसपास की नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कहीं न कहीं सभी जीवन में निरंतर कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने के लिए सुबह से शाम तक संघर्षशील रहती है और अंततः वह घोंसला बना ही लेती है। वह इस बात से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होती कि मौसम के बदलाव से या वर्षा आदि तूफान से उसका घोंसला टूट जाएगा, बल्कि वह घोंसला टूट जाने के उपरांत मनुष्य की तरह व्यर्थ दुख का प्रलाप भी नहीं करती, तुरंत ही नए तिनके जोड़ने में लग जाती है। यह प्रयास ही उसके जीवन को शक्ति देता है। संघर्ष ही हमें शक्ति देता है, अतः जीवन में विपत्ति आने पर उससे भागने के बजाय डटकर संघर्ष करना चाहिए, तभी हम जीवन में मनवांछित परिणाम पा सकेंगे। इसको लिखे हैं अंशु प्रधान। आप सभी लोग वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।